Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना है। अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस ज़ुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस का जोर तेज़ हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा से मजीद 15 जानें साया हो गईं, जबकि एक ही रोज़ में 1808 नए मरीजों की तशखीस हुई है। दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दरबारों के अतराफ़ अराजी के लिए जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मरियम नवाज़ कहती हैं, कुछ लोग ज़ाती मुफाद के लिए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। कुर्बानी के जानवरों की छत से ज़मीन पर मुंतकली। जानवरों को ज़मीन पर क्रेन के ज़रिए मुंतकिल करने के मनाजिर कैमरे की आंख में भी महफूज कर लिए गए। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नरम, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से ख़रीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कोरोना वायरस से 15 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,597 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तजदीद शुदा केसेस की तादाद 9,75,092 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,48,309, सिंध में 3,47,478, खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,463, बलूचिस्तान में 27,994, गिलगित बल्तिस्तान में 6,904, इस्लामाबाद में 83,764, जबकि आज़ाद कश्मीर में 21,180 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,51,03,802 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47,015 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,13,873 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 15 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,597 हो गई। पंजाब में 10,822, सिंध में 5,607, खैबर पख्तूनख्वा में 4,362, इस्लामाबाद में 784, बलूचिस्तान में 313, गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आज़ाद कश्मीर में 594 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि मुल्क भर के मज़ारात हमारा तारीख़ी वरसा हैं, इसलिए मज़हबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और आराइश के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मौवन ख़ुसूसी और दीगर हुकाम ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को लाहौर के तारीखी और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कहा गया कि दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज़ बनाने के हवाले से एक मंसूबा तश्कील दिया गया, जिसके तहत दरबार दाता गंज बख्श को एक वेलफेयर मरकज के तौर पर ढाला जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरबार के जायरीन के खाने और रिहाइश की सहूलियात के साथ तालीम का इंतजाम भी किया जाएगा। इजलास में वजीर आज़म को पंजाब में दीगर मज़ारात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। बादशाही मस्जिद के हवाले से बताया गया कि मस्जिद में नमाजियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा, मुल्क भर के मज़ारात हमारा तारीखी वरसा है, इसलिए मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने खिताब में हिदायत की कि दरबारों के अतराफ अराजी के लिए जामा प्लान तश्कील दिया जाए, ताकि सरकारी अराजी को अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए बरोए कार लाया जा सके।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि आवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है, वोट चोर यहां पर नजर लगाकर बैठा है, इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिये पर चलना होगा। लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान आवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है, वोट चोर यहां पर नजर लगाकर बैठा है, इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। 3 साल बाद भी नवाज शरीफ को हराने के लिए धांधली करना पड़ती है। इमरान खान, आपको बताना चाहती हूँ कि चोरी की सीटें निकलवाना शेरों को आ गया है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हालत पतली नजर आती है। इंतखाबात के लिए रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान के वज़रा पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। इमरान खान को कश्मीर में आकर अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। रहनुमा नून लीग का कहना था कि मुल्क में महंगाई से हर शख्स मुतासिर हुआ है, नालायक चोर इमरान खान की वजह से पूरी आवाम परेशान है। आवाम को लाइनों में खड़ा करके 1 किलो चीनी का थैला दे दिया गया। कश्मीरियों का कोई हक छीन ले और मैं बैठकर नहीं देख सकती। कश्मीरियों का रिस्क वफाकी हुकूमत के नहीं अल्लाह के हाथ में है। मैं इमरान खान से पूछना चाहती हूँ, क्या वो कश्मीरियों की रोटी छीनने आ रहे हैं? इमरान खान ना यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे पूछना कश्मीरियों, उसके सरकारी जलसों में जाना और उससे पूछना, क्या तुम कश्मीरियों का आटा भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों की चीनी भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम भिखारियों की तरह कश्मीरियों को भी कतारों में लगाने आ रहे हो? 1-1 किलो चीनी के लिए जानते हो रोजेदारों को पाकिस्तान में कतारों में खड़ा किया, कई कई घंटे खड़ा किया, और 1-1 किलो चीनी का थैला देकर यहाँ पर अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगा दिया और कहा आप दोबारा चीनी मांगने ना आना। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उससे इदारों पर तनकीद ना समझा जाए। कुछ लोग जाती मफादात के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ का जुर्म सिर्फ एक है कि आवाम ने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया। मुल्क को तरक्की की राह पर चलाना है तो नवाज शरीफ के मौकफ को अपनाना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिये पर चलना होगा। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, उसकी हुब्बुल वतनी की गवाही न सिर्फ कश्मीर के पहाड़ देते हैं बल्कि नवाज शरीफ का दुश्मन भी नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी की गवाही देता है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है और मैं ये बताऊं, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। कराची में कुर्बानी के जानवरों को छत से ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया गया। इन जानवरों को कई माह कबल यहां लाया गया था ताकि उनकी बेहतरीन देखभाल की जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में कुर्बानी के जानवरों को छत से ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया गया। इन जानवरों को कई माह कबल यहाँ लाया गया था ताकि उनकी बेहतरीन देखभाल की जा सके। जानवरों को ज़मीन पर क्रेन के ज़रिए मुंतकिल करने के मनाजिर देखने के लिए कई अफराद अतराफ की छतों और गली में मौजूद थे। 11 जुलाई को जानवरों को मुंतकिल करने के मनाजिर कैमरे की आँख में भी महफूज कर लिए गए। इस हवाले से एक शहरी का कहना था, रहता तो यहीं करीब में हूँ लेकिन स्पेशली जानवर उतरते हुए देखने आया, हर साल आता हूँ, मैं भूल गया था लेकिन मेरे बच्चों को याद रहा, मेरे बच्चे जबरदस्ती मुझे लेकर के आगे, चलो पापा जानवर उतर रहे होंगे जानवर देखने। जानवरों की जमीन पर मुंतकली के मनाजिर को देखने के लिए शहरियों का तांता बंधा रहा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।